बोले सच्चे दरबार की। आइए एक बहुत ही सुंदर सा भजन। मेरे भजन में एक प्रश्न है, प्रश्न ऐसा बहुत ही सिंपल सा। जिन्होंने रामचरितमानस का पाठ किया होगा और अगर ध्यान होगा, जो लोग करते होंगे उनको ये उत्तर अपने आप मिल जाएगा। और जो भी इस प्रश्न का उत्तर देंगे दरबार से उसको खजाना मिलेगा। अब ये देखना है ध्यानु जैसा भक्त कौन है इतने लोगों में। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए बहुत ही सुंदर सा भजन, सारे भक्त ध्यान से सुने और आनंद लें इस भजन का। हर लाल लाल दे लाली लते लते अरे भर लाल लगो दल जय 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 कपिशो। कहते हैं जो जहाजों से ले टक्कर, सोनू में ये जो बोल नहीं रहा है, जहाजों से ले टक्कर उसे तूफान कहते हैं। जो जहाजों से ले टक्कर उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं। कहते हैं अरे जो इंसानों से ले टक्कर उसे शैतान कहते हैं, और जो शैतानों से ले टक्कर उसे पवन पुत्र हनुमान कहते हैं। पवन पुत्र हनुमान कहते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की सुनिएगा। एक समय की बात है, योनि न जान सौगत गौ उसे हनुमान कहते हैं, संभालेना अपना घर उसे नादान कहते हैं, कयामत हो गरीबी की उसे परेशान कहते हैं, कहते हैं, और बिजली को बना दे उसे भगवान कहते हैं। जो बिजली को बना दे वही भगवान है। कहते हैं गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, पड़ेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की कसक जरूर दूर होगी प्यारे भक्तों, अगर किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। किसी के पैर का कांटा निकाल कर दे, निकाल कर दे, किसी पैर का कांटा निकाल कर दे। भाई जो बताइए आ जाए पहली बार संगत, शायद कई वर्षों बाद पहली बार संगत हो गई। लमसम 10 साल तो हो गए। ये बेटा हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने हमारे बच्चे हमारे लायक हो गए और हमें फुर्सत मिल गई। इस बात की हमें खुशी है, इसीलिए हम निश्चिंत रहते हैं। अब ज्यादा गाना बजाने चक्कर पड़ते हैं, चूंकि हमारे बच्चे नाम कर रहे हैं, हमारा नाम हो रहा है।
ये आशीर्वाद हमेशा माता पिता का बना रहे। सबसे बड़ा आशीर्वाद माता पिता का होता है, क्योंकि मैं तो नालायक था, मुझे लायक बना दिया। अरे अच्छी फिल्म का एक नायक बना दिया, और मुझमें तो माइक पकड़ने की भी तमीज न थी। माता पिता के आशीर्वाद ने, इनकी कृपा ने अच्छा खासा गायक बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अधिकारियों का। सुनिएगा, एक समय की बात है, once upon a time, एक खरीदार एक दुकानदार के पास पहुंचा। और जब वो पहुंचा, दुकानदार से बोला, भाई साहब आप क्या मूर्तियां मिलती हैं? उसने कहा, इतनी ढेर सारी मूर्तियां लगी हुई हैं, ये मूर्ति वाले की ही दुकान है। उसने कहा, अच्छा ये बताइए भैया, दुर्गा मैया की मूर्ति आपके पास है? हाँ बिल्कुल है। राम जी की मूर्ति है? बिल्कुल है। लक्ष्मण जी की मूर्ति है? क्या बिल्कुल है। राम जानकी की मूर्ति है? उसने कहा, हाँ भाई साहब ये भी मिलेगी। के हनुमान जी की मूर्ति नहीं दिख रही? के भाई साहब वो दिखती नहीं है, वो दिखती नहीं है, वो बिकती है। सोचने लगा, है जो दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? के भाई साहब उस मूर्ति में ऐसी खास बात है, जब आदमी के सामने मूर्ति आ जाती है तो अपने आप ले आ जाता है। सुनिएगा, उस खरीदार ने कहा कि अच्छा भैया ये बताइए, राम जी की मूर्ति है कितने की? उसने कहा, 8 रुपए की है। कितने की है? 8 रुपए की। फिर उसने पूछा, अच्छा लक्ष्मण जी की मूर्ति कितने की है? उसने उत्तर दिया, 8 रुपए की है। कितने की है? फिर उसने पूछा, राम जानकी की संगमे मूर्ति कितने की है? उसने उत्तर दिया, 16 रुपए की है। कितने की है बाबूजी? 16 रुपए की। अंत में उसने पूछा, भाई साहब ये बताइए, जो हनुमान जी की मूर्ति दिख नहीं रही है वो मूर्ति कितने रुपए की है? उसने कहा, 24 रुपए की है। वो सोचने लगा, है राम जी की मूर्ति 8 रुपए की, लक्ष्मण जी की मूर्ति 8 रुपए की, राम जानकी की मूर्ति 16 रुपए की, और हनुमान जी की मूर्ति 24 रुपए की, इतनी महंगी। दिन में भी अंधेरे कर रहे हो, हैं? भाई साहब उस मूर्ति में ऐसी खास बात है, 24 रुपए अगर लेना हो तो 24 रुपए जमा कर दीजिए और मूर्ति ले जाइए। अच्छा सुनिएगा, लिखने वाले ने कितना सुंदर सा भजन लिखा है, क्योंकि जिन्होंने लिखा है बहुत ही सुंदर से लेखक है। मैं चाहूंगा सबसे पहले उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। उन्नाव जिले के रहने वाले रागिया जी, बहुत ही सुंदर सी लेखनी है उनकी, उन्होंने बहुत ही सुंदर सा लेखन किया है इसमें, अपने शब्दों को पिरो पिरो करके मोतियों के रूप में। और जो हम लोग गा रहे हैं ये सुंदर सुंदर राइटरों की देन है, लेखकों की देन है, माता पिताओं की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की। सुनिए, वो भक्त कहने लगा, और क्या कह रहा है कि 8 रुपए रामचंद्र है, 8 के लक्ष्मण भाई है, 16 रुपए की राम जाने की कमना एक पाई है। अये खरीदार श्रीमान, अये खरीदार श्रीमान, सच आप सुनेंगे ये वीर बलि हनुमान, ये वीर बलि हनुमान 24 के बिकेंगे, ये वीर बलि हनुमान 24 के। बोली सच्चे दरबार की। अच्छा इतनी बात भक्तों के समझ में तो आ गई होगी। आइए सुनिए गाइस, भक्त क्या कह रहा है कि 8 रुपए 8 रुपए रामचंद्र है, 8 लक्ष्मण भाई है, 8 रुपए राम जाने की
ये पीर बलि हनुमान, ये पीर बलि हनुमान, ये पीर बलि भाई साहब, आप हमें बेवकूफ बना रहे हो। उस मूर्ति में से कोई खास बात नहीं है जो आप 24 रुपए की दे रहे हो, तो वो दुकानदार क्या कह रहा है सुनिए। मूर्तिकार हम, मूर्तिकार हम, मूर्ति मैंने बनाई है इसलिए मूर्तिकार हम, तुम्हें क्या जानो कितनी कठिन लड़ाई है। तुम्हें क्या जानो कितनी अकल हो, दिमाग हो आप समझो कीमत कार बढ़ाई है। अदल हो कीमत कार बढ़ाई है। आप झुकोगे जब आप जान जाओगे कि इस मूर्ति में क्या खास बात है, तो अपने आप 24 रुपए निकालोगे और यहाँ जमा कर दोगे और मूर्ति ले जाओगे। वो दुकानदार कहने लगा, बोली सच्चे दरबार की जय। अच्छा, इतनी बात कितने भक्तों को समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो मेरे साथ बोलिए कि श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो भक्त कहने लगा, इसका मतलब हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के सेवक हैं, इसलिए मूर्ति 24 रुपए की है। भक्त भगवान से बड़ा होता है इसलिए मूर्ति 24 रुपए की है। तो दुकानदार क्या कह रहा है सुनिए कि मैं आपकी बात समझता हूं। दुकानदार कहने लगा कि बालाजी सरकार की इतनी प्यारी सी मूर्ति जब आपके सामने आएगी तो आप खुद जान जाओगे। वो भक्त कहने लगा मूर्ति बराबर, मूर्ति बराबर,
हम मानते हैं मूर्ति बराबर हम मानते हैं पर भगवान से भारत हम मानते हैं जान समस्या जान समस्या रघुराई पर उनसे आगे स्वयं खड़े अब करो तनिक अनुमान क्या आप टिकेंगे ये वीर बलि हनुमान 24 के टिकेंगे। अब ये बताइए हनुमान जी महाराज 24 रुपए के क्यों हैं? इसका उत्तर हाँ बाबू जी बिल्कुल आइए आइए। देखिए एक ऑप्शन में दे रहा हूँ, ऑप्शन ये दे रहा हूँ ना ये बालकांड से लिया गया है ना ये उत्तरकांड से लिया गया है ना ये अरण्यकांड से लिया गया है ना ये लंका कांड से लिया गया है। बाकी दो हमने छोड़ दिए, उन्हीं में ऑप्शन है 8-24 कैसे हुए? राम सीता हनुमान जी 3 क्योंकि लिखने वाले ने मैंने बताया कि ना ये बाल कांड से ना उत्तर कांड से ना ये लंका कांड से है ना अरण्य कांड से। ना ये सुंदर कांड से बोली सच्चे दरबार की। अच्छा कितने भक्त उत्तर जानना चाहते हैं? लेकिन एक समस्या है, पहले 24 को दोनों जमा करने पड़ेंगे। कौन बनेगा करोड़पति? हाँ 24 के दोनों जमा 24 के दोनों 500 हाँ ये देखो नहीं 24 को दूना है ये तो 30 है। देखो ये उत्तर जानने के लिए है। हाय भैया भी ला रहे हैं जल्दी आइए। 24 दूनी 48 भाभी जी की तरफ से भी। देखिए कौन बनेगा करोड़पति? सब बनना चाहते हैं लेकिन बालाजी सरकार सबको करोड़पति बनाएंगे, मैं प्रमाणित करके बताऊंगा। सुनिएगा सुनिएगा बहुत रागिया का बतलाई। जिन्होंने सुंदर से लेखनी लिखी है उनका नाम रागिया जी है। बहुत रागिया का बतलाई हनुमत राम के प्यादे हैं महंगे हैं ये महंगे हैं ये राम लखन को अपने कांधे ला दे है। ये एह दीन समान चंचल ये एह दीन समान क्या आप गिनेंगे?
जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव से भेंट करने पहुंचे तो सुग्रीव ने हनुमान जी महाराज को भेजा, क्योंकि हनुमान जी बल में बलवान थे, बुद्धि में विवेकवान थे और वाणी में चातुर्वान थे, कि जाओ। गुप्त सूत्रों द्वारा सुग्रीव को पता चला था कि कोई दो योगी पुरुष पंपापुर सरोवर में आ पहुंचे हैं, जरूर कोई दैत्य होंगे जिन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया है, कहीं हमारे महाराज के ऊपर आक्रमण ना हो जाए। तो सुग्रीव ने हनुमान जी महाराज को भेजा था। हनुमान जी महाराज की भेंट प्रभु श्री राम से, लक्ष्मण जी से पंपापुर सरोवर में हुई और किष्किंधा पर्वत काफी ऊपर था, इसलिए हनुमान जी महाराज ने विराट रूप धारण किया और प्रभु श्री राम जी को दाहिने कंधे पर और लक्ष्मण जी को बाएं कंधे पर बैठाला और सुग्रीव से भेंट कराने पहुंचे। बोली सच्चे दरबार की भजन अगर अच्छा लगा हो तो मैं चाहूंगा बिल्कुल सीधे हाथ उठाएं और मेरे साथ बोले कि श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम।